बाप बेटे दो रोटी पकाए तीन, बताओ बराबर कैसे खाएंगे। शर्त है ना तोड़ना है ना फेंकना है। तो चलिए प्रश्नों को एक बार और देखते हैं। बाप बेटे दो, इसे सुनते ही हमारे मन में ख्याल आता है बाप बेटा मिला करके दो आदमी हुए, और रोटी पकाए हैं तीन, इसे बराबर बांटना है ना तोड़ना है ना फेंकना है। लेकिन ये दो लोगों में तीन रोटी को बराबर बांटना असंभव सा लगता है। प्रश्न यहाँ थोड़ा उलझा हुआ है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। मैं प्रश्न दोहराता हूँ, बाप बेटे दो, फिर से बाप बेटे दो, कितने हो गए? बाप एक और बेटे दो। बाप बेटे दो मतलब तीन लोग हो गए, बाप बेटे दो रोटी पकाए तीन। अब तीन लोग हैं मतलब तीन आदमी हैं और तीन रोटियां हैं, तो आसानी से बराबर एक एक रोटी आपस में बांट लेंगे। चलिए आप लोगों के लिए मैं एक सवाल छोड़ देता हूँ। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, आप बताओ कितने तीतर? अगर इसका उत्तर आपको मालूम है या जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।